त्योहारा में इसको एक विभाग का दूसरे विभाग पर अत्याचार कहें या सरकारी काम का धुलमुल रवैया की एक तरफ तो स्कूली बच्चों को सुविधाएं देने के लिए नवनिर्माण कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसके लिए दूसरे स्कूली बच्चों को शौचालय पानी आदि से वंचित कर दिया गया। जी हाँ, ऐसा एक ये मामला है ग्राम पंचायत महमूदपुर के ग्राम गोवर्धनपुर का, जहाँ कस्तूरबा इंटर कॉलेज के आवासीय परिसर का निर्माण चल रहा है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए पास में ही स्थित सरकारी विद्यालय के शौचालय, दिव्यांग शौचालय, नल, हेडवाश, अतिरिक्त कक्ष तोड़ दिए गए, जिसके बाद महीनों से इस स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राएं व शिक्षक आदि बेहद परेशान है। ज्यादा जानकारी व शिकायती पत्र डीएम को भेजते हुए ग्राम प्रधान इफ्तिखार अहमद ने बताया कि मेरी पंचायत के राजस्व ग्राम गोवर्धनपुर में कस्तूरबा इंटर कॉलेज का आवासीय परिसर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण करने के लिए कंपोजिट विद्यालय का शौचालय, दिव्यांग शौचालय, नल, हैंडवाश, अतिरिक्त कक्ष व अन्य निर्माण तोड़ दिया गया है, जो ग्राम पंचायत महमूदपुर के द्वारा कार्य कराया गया था। अब कंपोजिट विद्यालय में न तो शौचालय है। बालों में छुपा डैमेज कैसे दिखेगा, जानिए फैन टेस्ट से। फैन टेस्ट के बाद रूखे उलझे बाल मतलब है डैमेज। डव इंटेंस रिपेयर का एक चौथाई मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम। डैमेज रिपेयर शुरू फर्स्ट वॉश से। फिर टेस्ट व अन्य निर्माण तो वह अन्य निर्माण तोड़ दिया गया है, जो ग्राम पंचायत महमूदपुर के द्वारा कार्य कराया गया था। अब कंपोजिट विद्यालय में न तो शौचालय है, न ही दिव्यांग शौचालय है और न ही नल है। इस स्थिति में स्कूल के बच्चे परेशान हैं। अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ग्राम प्रधान ने मांग की है कि स्कूल का निर्माण किस आधार पर व किसकी अनुमति पर तोड़ा गया, व स्कूल में निर्माणाधीन परिसर ठेकेदार को तोड़ने व निर्माण करने का प्रस्ताव किसकी अनुमति से हुआ है। इन सब बातों व मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही करते हुए अतिशीघ्र शौचालयों आदि का निर्माण कराया जाए, ताकि स्कूली बच्चों व शिक्षकों की समस्या खत्म हो सके। वहीं शिक्षकों, स्कूली बच्चों व अभिभावकों ने बताया कि उनको पानी व शौचालय के लिए स्कूल से 200 मीटर दूर जाना पड़ रहा है। 3 महीनों से इस परेशानी का दंश झेल रहे सभी ने शौचालय आदि के निर्माण की मांग उठाई है। वहीं वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया है कि मामला गंभीर है, जांच कराकर जल्दी ही इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। वही क्षेत्र में चर्चा ये भी है कि इस काम को अंजाम देने वाला कस्तूरबा विद्यालय का ठेकेदार बाहरी है, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों ने ठेकेदार व अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश के तहत स्कूल के शौचालय आदि को तोड़वाया है। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनीता देव। कौन से गांव की? गोवर्धनपुर। क्या मामला है इस स्कूल में आज? यही परेशानी है, पानी की परेशानी है। अच्छा, पानी कहाँ से लाना पड़ता? दूर से लाने की परेशानी है। लेने जा रहे। अच्छा, शौचालय नहीं है? हाँ, शौचालय नहीं है। लड़की बहुत परेशान है। अच्छा, काफी परेशानी है? और बहुत परेशानी है सर। बच्चों को परेशानी, छात्र छात्राओं को काफी परेशानी है। आपको क्या मामला है यहाँ? मामला तो सारी परेशानी है, बच्चे दूसरे शौचालय में जा रहे हैं, पानी नहीं है। अच्छा। पानी की भी परेशानी है, बच्चे दूसरों के नालों पर चला रहे हैं। कितने महीने हो गए? महीने तो कई साल में होगा, 3 महीने हो गए। 3 महीने से क्या यही दिक्कत चली आ रही है? यही चल रही है। लड़की भी जब बड़ी बड़ी लड़की है, सारी जवान लड़की है, सारी उधर इधर उधर जमा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा रानी। अच्छा, कहाँ कार्यरत है आप? जूनियर हाई स्कूल गोवर्धनपुर। क्या मामला है गोवर्धनपुर के स्कूल में? गोवर्धनपुर में कस्तूरबा का निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर जी। और उसकी वजह से हमारे स्कूल के जो शौचालय है और नल की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, टूट चुके हैं पूरी तरह से जी, जी, जी। और जुलाई में स्कूल खुला था जी। तब से कहा गया था हमसे कि इसकी व्यवस्था की जाएगी जी। किंतु 3 महीने होने को आए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे बहुत परेशान हैं, पानी पीने के लिए दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है, जो 100 मीटर तो पड़ता होगा। तो फिर क्या क्या समस्याएं हैं आपको? बाहर जाना पड़ता है शौचालय के लिए? बाहर जाना पड़ता है, लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, उन्हें भेजना पड़ता है बाहर। हाँ, कभी गाँव अगर टीचर को जाना पड़ जाए तो स्कूल की व्यवस्था खराब हो जाती है, टीचर को भी बाहर ही जाना पड़ता है। पानी की व्यवस्था तक नहीं है? पानी की व्यवस्था तक नहीं है, वाटर कूलर भरवा रखे हैं। शिकायत कहाँ कहाँ कर दी आपने? शिकायत तो ABSA के ऑफिस में सर्वे और बिजनौर भी पहुंचा दी है, CDO ऑफिस में भी पहुंचा दी है, DM साहब के संज्ञान में भी है, सब जगह पहुंचा दी है शिकायत। कोई सुनवाई नहीं है, बहुत परेशानी चल रही है यहाँ।